और मेरा भी शरीर इतना कमजोर है फिर भी मैंने हार नहीं मानी। जन्म से लेकर आज तक मेरा शरीर इतना कमजोर फिर भी मैंने नहीं मानी हार। यह शब्द हमारे नहीं बल्कि यह शब्द राजस्थान के करौली के समीप स्थित गांव भिंडपुरा के दिव्यांग मनोज सिंह मीना के हैं। शारीरिक कमजोरी से ग्रस्त दिव्यांग तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन यह संघर्ष से भरी दास्तान एक ऐसे दिव्यांग की है जिसका कद आज भी 37 वर्ष की उम्र में महज 2 फुट का है। 1-2 साल के बच्चों की तरह घुटने जमीन पर रगड़ कर चलने वाले दिव्यांग मनोज सिंह के हौसले लेकिन इतने बुलंद है कि घर वालों के साथ छोड़ने पर आज यह अपनी आजीविका 2011 में लोन लेकर उसकी राशि से काम में शुरू की दुकान से चला रहे हैं। बचपन से ये परेशान और मेरे को हुए 37 साल, तो मेरी माँ गुजर गई, मतलब 32 साल हो गई माँ को। तो मैं 5वीं क्लास पढ़ा था तो बच्चे मेरे को साइकिल पे घर के ले जाते दो भैया। पहले कोई गाड़ी का वो नहीं था, हटवाली की गाड़ी नहीं थी, तो दिक्कत आती थी। तो पिताजी ने कही बेटा स्कूल दूर है 2 किलोमीटर, तो वहाँ को पढ़ने में परेशानी आएगी। मैंने बहुत बोला था पिताजी से, मैं पढ़ना चाहता हूँ। पिताजी ने कही बेटा तो और पढ़ाऊँ आएगी नहीं, वो तो जाने में तू परेशानी हो जाएगा। तो मैं ऐसे करके नहीं पढ़ा। फिर मेरे को ऐसे ऐसे गुजरता गया। फिर मैंने मेरे कोई रोजगार नहीं था, मैंने समाज कल्याण से लोन लिया 2011 में। तो मैंने वहाँ में कोई दुकान खोली गांव में। कितने रुपए का लोन लिया? मैंने 1,00,000 रुपए का लोन लिया था, जिसमें सब्सिडी थी 50,000। तो वो मैंने धीरे धीरे दुकान में से कर करके दुकान खोल ली। दुकान खोल के मैंने फिर धीरे धीरे कर करके लोन भी चुका दिया। अब मेरी दुकान भी ऐसी चल रही है सर, 100-200 की बिक्री होती है और दुकान सही चलती नहीं है। मैं फिर से ही रोज़गार चला रहा हूँ, घर का मेरा साथ छोड़ गए। तो ये गाड़ी भी मिल गई मेरे को, तो मैंने गाड़ी ले लिया। गाड़ी ली तो इससे सामान ले जाता हूँ, ना तो कोई लाता है ना ले जाता है, और इससे ही मैं सब सामान ले आता हूँ लेने को। ना तो घरे और साइकिल है और दुकान है मेरे, और कुछ नहीं है।